आज हम अलग तरीके से वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे। ऐसी बिरयानी न तो आपने कभी खाई होगी और ना देखी होगी। इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का उपयोग करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी बहुत है। तो स्टार्ट करेंगे। इस बिरयानी का नाम है लाल किला। बिरयानी के लिए पहले राइस बना लेंगे। पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। 2.5 कप बासमती चावल है। 500 ग्राम बासमती चावल को 2 से 3 बार पानी से धो के आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था। पानी बॉईल हो रहा है, उसमें डाल देंगे। एक टेबलस्पून नमक डालेंगे, एक टेबलस्पून तेल, चावल को हमें 80% तक कुक करना है। चावल कुक हो रहे हैं तब तक हम सब्जी के लिए पेस्ट बना लेंगे। 300 ग्राम प्याज है, 3 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 6 कली लहसुन है। इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। फ्रेश गरम मसाला बनाएंगे। इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा तज, 2 छोटी इलायची और 3 लौंग है, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। 300 ग्राम टमाटर है, इसे अलग से ग्राइंड करेंगे। चावल को हमने मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट कुक किया है। चावल कुक हो गया है, गैस ऑफ करेंगे। स्ट्रेनर भी डाल के चावल का पानी निकाल लेंगे। चावल को मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है, इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे। पेस्ट बना के हमने रेडी कर ली है। ये प्याज अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये टमाटर की पेस्ट और ये फ्रेश गरम मसाला हमने ग्राइंड किया है। बिरयानी का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में 6 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। खड़ा मसाला डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची ऊपर से खोल लिया है और 4 छोटी इलायची, इसे भी ऊपर से खोल लिया है और 2 तेज पत्ता, ये सब तेल में डाल देंगे। तेज पत्ता को तोड़ के डालेंगे। खड़ा मसालों को भून लेंगे। खड़ा मसाला को भून लिया है, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। प्याज की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के पेस्ट को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज की पेस्ट को गोल्डन ब्राउन सौते कर लिया है। 200 ग्राम बीटरूट को छील के इसे कद्दूकस किया है, ये डालेंगे। तीन सौ ग्राम टमाटर की पेस्ट बनाई है। मीडियम फ्लेम पे इसे पानी सूख जाए तब तक इसे सौते कर लेंगे। इस बिरयानी को प्याज और लहसुन के बिना भी आप बना सकते हैं। प्याज के बदले में आप 200 ग्राम लौकी ग्रेट करके ले लीजिए और थोड़े से तेल में इसे सौते कर लीजिए और फिर उसका पेस्ट बना के आप डाल सकते हैं। टमाटर का पानी जल गया है और तेल भी बाहर आ गया है। इसमें हम वेजिटेबल डाल देंगे। 1/2 कप हरा मटर, 1 बड़ा शिमला मिर्च, इसका डाइस किया है, 100 ग्राम फूलगोभी, इसे बॉईल करके लिया है, 100 ग्राम बीन्स और 100 ग्राम गाजर है, इसे भी मैंने बॉईल किया है। 1 मिनट तेज आंच पे इसे सौते करेंगे। शिमला मिर्च हमने डाली है, वो कच्ची है, इसे बॉईल नहीं करना है। 1 मिनट सब्जी को सौते कर लिया है। 1 कप मीडियम खट्टा दही है, इसे मैंने फैट लिया है। फ्लेम लो करके दही को डालना है। दही डालने के बाद धीमी आंच पे ही इसे कुक करेंगे।
दही डालने के बाद एक मिनट इसे सौते कर लिया है। मसाला डाल देंगे, 4 टीस्पून नमक है, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। घर में जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वही डाला है। फ्रेश गरम मसाला हमने ग्राइंड किया था, ये डालेंगे। 4 हरी मिर्च को स्लिट किया है, लंबा काट के लिया है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीना, मिक्स कर लेंगे। आधा कप काजू का पीस, 2 टेबलस्पून किशमिश को 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था, 100 ग्राम पनीर का क्यूब डालेंगे। बिरयानी का मसाला रेडी है, गैस ऑफ करेंगे। मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव प्रूफ कांच का बाउल लिया है, इसमें हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। बाउल को बटर से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ये कांच का बाउल नहीं है तो आप कोई भी मोटे तले वाला बर्तन ले लीजिए, उसी में आप बिरयानी का लेयर कर सकते हैं। नीचे पहले चावल का लेयर करेंगे, इसके ऊपर सब्जी का लेयर करेंगे, इसके ऊपर वापस चावल डालेंगे। सब्जी डालेंगे, इसके ऊपर वापस चावल डालेंगे। बिरयानी का लेयर कर लिया है। 3/4 कप दूध में 1/4 टीस्पून केसर डाल के उसे बॉईल किया था, ये ऊपर दूध डालेंगे। इसके ऊपर बटर डालेंगे, बटर ऊपर डाल दिया है। इसे ढक्कन लगा के माइक्रोवेव हाई पावर पे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आप बर्तन में बिरयानी बना रहे हैं तो बर्तन को पहले एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए, या तो फिर ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेट के बिरयानी के बर्तन को ढक दीजिए और तवे को पहले गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर बिरयानी का बर्तन रख के धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट इसे कुक कर लीजिए। बिरयानी को हमने माइक्रोवेव में रख दिया है। लाल किला बिरयानी रेडी है।